बिहार में पीएम मोदी के आगमन और विपक्ष के बयानबाजी पर सूबे की सियासत काफी गरमाई हुई है। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री आलोक रंजन ने कहा कि तेजस्वी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री के सामने बोलने नहीं गए थे, तैयारी करके जाते तो लड़खड़ाते नहीं। लिखी लिखाई बातों के द्वारा नेता प्रतिपक्ष ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाई। आलोक रंजन ने कहा वह राजनीतिक स्थल नहीं था और वहाँ राजनीति नहीं करनी थी, बिहार की विरासत और इतिहास पर बात करनी थी। सुनिए क्या कहा मंत्री आलोक रंजन ने। तेजस्वी जी जो विषय था शताब्दी समारोह में बोलने के लिए नहीं गए थे, एक लिखा लिखाया भाषण को लेकर के और सीधा जा कर के पढ़ने में इसी प्रकार से लड़खड़ाहट होती है जो तेजस्वी जी के भाषण को देखने से लग रहा था। तैयारी करके जाते तो लड़खड़ाते नहीं। कुछ लोग योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई ठीक से किए होते नहीं। देखिए तैयारी करके यदि आप जाते ना, हम योग्यता की बात नहीं है, तैयारी करके यदि जाते विषय को जो जिस विषय का गंभीरता को के साथ रखने के लिए यदि जाते तो वो लड़खड़ाहट वहाँ उनको नहीं होता। वो तो कोई लिख करके दिए थे और उसको ऊपर रहे थे तो उसमें वो उस ढंग से उस विषय को नहीं रख पा रहे थे, ऐसा ही हमको लग रहा था देखने से। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब बिहार की चर्चा की तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी की भी चर्चा की, उसमें जयप्रकाश नारायण जी की भी चर्चा की, श्री कृष्ण बाबू की भी चर्चा की, राजेंद्र प्रसाद जी की भी चर्चा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो हमारे देश के राज्य के महान नायक जो देश में जिनकी पहचान है सबों की चर्चा की। वह स्थल राजनीतिक स्थल नहीं था, वह विधानसभा के शताब्दी समारोह का कार्यक्रम था। उसमें हम लोगों को गर्व है कि हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आकर के जो बिहार के दिल में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री बिहार के एक एक लोगों के दिल में बसते हैं, उन्होंने बिहार के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। वह स्थल राजनीतिक स्थल नहीं था, वहाँ राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी।